इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कावी आर्ट, ठीक है, किसकी बात करते हैं दोस्तों, कावी आर्ट की। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक व्यक्ति की बहुत मतलब प्रशंसा की है जिन्होंने कावी आर्ट को आगे बढ़ाया है, ठीक है, तो उसकी बहुत प्रशंसा की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि यार वाह तगड़ा काम कर दिया। अच्छा गाइज एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, रिक्वेस्ट क्या है कि जो जो बच्चे यार ठीक है मेरे साथ जुड़े हैं, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल सबको फॉलो कर लेना है, कमेंट बॉक्स देखो टेलीग्राम चैनल आ रहा है। दूसरी बड़ी बात क्या है, मेरी मेल आईडी सबके पास होनी चाहिए, मेरी मेल आईडी ठीक है सबके पास होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है, हर एक बच्चा जो इंस्टाग्राम पे है वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो भी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, या सीधा सर्च कर लो सुमित राठी सर इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, इंटरनेट पे जाओगे ना गूगल पे मिल जाएगी। तो जिस जिस बच्चे का अकाउंट है यार पहले जाओ और आज ही जाके वहां पे फॉलो कर लो, ठीक है। नए साल पे कुछ बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं मैं, ठीक है, अपने उसी इंस्टाग्राम चैनल पे, तो जुड़ जाओ उससे, ठीक है। बाकी जिसको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है उनको पता है मेरा कोड सुमित 10 है, अनअकैडमी से कोई भी कॉल आए सीधा बोल दो सुमित 10 कोड, और प्रूफ चाहिएगा। जो लोन वाले बच्चे उनको बता देता हूँ कि जब आप लोन कराते हो तो उसकी एक रिसिप्ट जनरेट होती है, सबूत ले लो कि मुझे सुमित 10 कोड यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो रिसिप्ट आपको मेरे को भेजनी पड़ेगी तभी मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। तो अगर आप मेरे छात्र हैं और मेरे माध्यम से आप अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हैं तो गाइज इंश्योर कीजिए कि आपका कोड क्या रहे सुमित 10, ठीक है। कावी आर्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही के अंदर में ठीक है एक गांव के आर्टिस्ट को ना प्रेज किया है कि उसने किस प्रकार से शताब्दियों पुरानी जो हमारी कावी आर्ट फॉर्म है उसको क्या किया है, प्रोत्साहित किया है, बढ़ाया है, आगे बढ़ाया है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने सदियों पुरानी कावी कला को पुनर्जीवित करने के लिए ठीक है एक गांव के व्यक्ति जो है ठीक है उसको क्या किया है दोस्तों, गोवा का एक आर्टिस्ट है उसको बहुत प्रोत्साहित किया है। कावी आर्ट होती क्या है दोस्तों कि ये पेंटिंग की फॉर्म में होती है, ठीक है आपको ये पेंटिंग की फॉर्म में होती है। इसको जनरली हम क्या करते हैं ना दीवार के बाहर और अंदर हम लगाते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन द इनर एंड आउटर वॉल ऑफ द सेक्रेड स्पेसेस, जो बहुत पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है ना, उनकी अंदर की और बाहर की जो दीवार होती है ना, जो बाउंड्री वॉल होती है उनके ऊपर में इनको बनाया जाता है, इनको हम बोलते हैं कावी आर्ट। इट कवर्स द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, और ये कावी आर्ट भारत की जो प्राचीन इतिहास है उससे संबंधित होती है, तो ये भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित होती है। एक्चुअली अगर मैं कावास की बात करूं, कावास का मतलब क्या होता है, कावी आर्ट है ना, तो कावा से बना है, तो कावा का मतलब क्या होता है, कावा का मतलब होता है रेड सॉइल, लाल मिट्टी, ठीक है, इसका मतलब रेड सॉइल। पुराने टाइम पे हम लाल और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करके इस आर्ट को हम बनाते थे। इट इज फाउंड इन कोंकण रीजन, जो हमारा कोंकण रीजन है, ठीक है, कोंकण रीजन आपको पता ही होगा दोस्तों कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको पता होगा ये काठियावाड़ कोस्ट है, उसके बाद में ये यहाँ से लेकर आपका गोवा से लेकर ठीक है यहाँ कर्नाटक में ये आपका होता है, इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोंकण रीजन के अंदर पाई जाती है, स्पेशल इन द टेंपल ऑफ गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन तीन एरियाज के अंदर में पाई जाती है। ड्यूरिंग द पुर्तगीज रूल इन द गोवा, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम द माइग्रेटेड फ्रॉम देयर इंट्रोड्यूस्ड the people of other states to this wonderful painting form, मतलब पुर्तगीज रूल के टाइम पे कई बार क्या होता है यहाँ से कुछ लोग अलग जगह चले गए थे, माइग्रेट कर गए थे, तो उन्होंने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर में इस कला को क्या किया, प्रोत्साहित किया, इस कला को उन्होंने फैलाया, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है।